दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू चेंज जीमेल अकाउंट पासवर्ड इन योर एंड्रॉइड फोन, यानी कि आप अपने एंड्रॉइड फोन से जीमेल के पासवर्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए, जब हम एक नया फ़ोन लेते हैं तब हम एक जीमेल का अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद लॉन्ग टाइम तक हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, और जब यूज़ करना होता है तो मोस्ट केसेस में लोग जो है अपना पासवर्ड भूल जाते हैं। ऐसे में उनको ये भी नहीं पता होता कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से जो है अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करने वाला हूं कि कैसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के थ्रू जो है जीमेल का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो है जीमेल का पासवर्ड चेंज करने के लिए दो मेथड्स है, तो इस वीडियो में हम दोनों मेथड्स को कवर करेंगे और दोनों मेथड्स के बारे में जानेंगे कि दोनों मेथड के थ्रू आप कैसे चेंज कर सकते हैं अपना पासवर्ड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं कि कैसे हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन के थ्रू अपने जीमेल के पासवर्ड को जो है चेंज कर पाएंगे। तो सिंपली आपको अपने फ़ोन में जीमेल ऐप के अंदर आना है, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड सबसे ऊपर कॉर्नर में तीन छोटा लाइन है, उस पर आपको चले जाना है। उसके बाद सबसे नीचे आपको आना है, सेकंड लास्ट ऑप्शन सेटिंग्स का है, इस वाले ऑप्शन के अंदर जाना है। ठीक है, जब सेटिंग्स के अंदर आएंगे तो देखिए, जनरल सेटिंग्स के नीचे आपको जितने भी आपने ईमेल आईडी अपने अकाउंट से ऐड कर रखा है वो सारा यहाँ पे शो होगा। तो एक जीमेल आईडी के अंदर हम चलते हैं। जस्ट देखिए, अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अकाउंट्स का, जस्ट उसके नीचे मैनेज योर गूगल अकाउंट। ठीक है, तो ये जो मैनेज योर गूगल अकाउंट लिखा है इस पर आपको टच कर देना है और ये गूगल अकाउंट के सेटिंग पे आपको लेके चला जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए, ऊपर लिखा है होम, उसके जस्ट बगल में लिखा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो ये जो पर्सनल इन्फो लिखा है इस पर आपको जाना है। अब यहाँ पे आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे नीचे आप देखिए पासवर्ड का एक ऑप्शन है, इस पर हमको चलना है। अब जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि दो मेथड मैं आपको बताऊँगा, तो चलिए दोनों मेथड के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा है टू कंटिन्यू फर्स्ट वेरीफाई इट्स यू। सबसे पहले आप वेरीफाई कीजिए कि आप वही पर्सन है जिसका ये अकाउंट है, तब जाकर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी वो दोनों मेथड कौन सा है, चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है एंटर योर पासवर्ड। तो ये एंटर योर पासवर्ड जो यहाँ पे पासवर्ड हमें फिल करना है, वो पासवर्ड फिल करना है जो हमारा जो है करंट पासवर्ड है, मतलब एट प्रेजेंट में हमारे जो जीमेल का पासवर्ड है वो यहाँ पे फिल करना है। तो ये तो हम तब फिल कर पाएंगे ना जब हमको वो पासवर्ड याद होगा, लेकिन अगर हमने लॉन्ग टाइम से कोई पासवर्ड को यूज़ नहीं किया है तब हमको तो याद नहीं है, तब हम कैसे चेंज करेंगे। तो उसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन है फॉरगॉट पासवर्ड, तो इस वाले ऑप्शन के थ्रू तब चेंज होगा। ठीक है, तो आइए एक एक करके दोनों को हम सीखते हैं। सबसे पहले मैं करंट पासवर्ड अब मैं डाल लेता हूँ, मुझे तो याद है, मैं डाल के दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने फिल कर लिया है करंट पासवर्ड, उसके बाद नेक्स्ट करूँगा तो ये जो है आपको उसके अंदर लेके जाएगा और कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली आपको न्यू पासवर्ड जो भी रखना है वो डाल देना है और सेव कर देना है। देखिए, न्यू पासवर्ड का पहला बॉक्स है और सेकेंड वाला है कंफर्म न्यू पासवर्ड। दोनों जगह आपको सेम पासवर्ड डाल के नीचे सेव पासवर्ड का जो चेंज पासवर्ड का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको सेव कर देना है, आपका पासवर्ड चेंज हो गया। अभी जो पहला मेथड देखा दोस्तों आप लोगों ने, यहाँ पे जरूरी ये है कि आपको आपका करंट पासवर्ड याद होना चाहिए, तब जाके पहले मेथड से आप जो है पासवर्ड को चेंज कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने जीमेल को लॉन्ग टाइम से यूज़ नहीं किया है और आपको आपका पासवर्ड याद नहीं है, तब आपके लिए है दूसरा मेथड। दूसरे मेथड के थ्रू जो है आप अपना पासवर्ड चेंज कर पाएंगे, जो कि है फॉरगेट पासवर्ड। तो आइए दूसरा मेथड भी हम देखते हैं। आइए, अगर हमको याद नहीं है पासवर्ड, ठीक है, अगर हमें पासवर्ड याद नहीं है तब हम करंट पासवर्ड याद नहीं है तब हम कैसे चेंज करेंगे। तो ये जो फॉरगेट ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है फॉरगेट पासवर्ड, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये तीन ऑप्शन आपको देगा। देखिए, यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको मिल रहा है, कन्फर्म योर स्क्रीन लॉक, एंटर योर पासवर्ड, उसके गेट ए वेरिफिकेशन कोड, जो भी आपका ईमेल आईडी है। तभी तीनों का क्या मतलब है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहला है कंफर्म योर स्क्रीन लॉक। आपको पता है कि एंड्रॉयड जो है गूगल का ही एक प्रोडक्ट है, तो जब ये गूगल का प्रोडक्ट है तो गूगल जितना भी हम अपने फ़ोन में पिन, पासवर्ड, पैटर्न या फिर फेस लॉक या फिर फिंगरप्रिंट जो भी हम अपने फ़ोन में लगाते हैं वो गूगल के डेटाबेस में जाके सेव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंफर्म योर स्क्रीन लॉक है, आपने अगर अपने फ़ोन में कोई भी स्क्रीन लॉक लगा के रखा है या फिर पैटर्न हो, पिन हो, फेस लॉक हो या फिर फिंगरप्रिंट हो, जब आप इस पर टच करेंगे फर्स्ट ऑप्शन पे तो आपको अपना पासवर्ड, पिन या फिर फिंगरप्रिंट लगा के अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। ये पहला ऑप्शन था। दूसरा, आपको अगर करंट पासवर्ड याद है तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए, इंटर योर पासवर्ड, और आप पासवर्ड डाल के अपना चेंज कर लीजिए जैसे मैंने अभी दिखाया जस्ट।
तीसरा वाला ऑप्शन जो है गेट अ वेरिफिकेशन कोड एट, मतलब कि जब आपने अकाउंट बनाया था वहाँ पे जो आपने रिकवरी कोई ईमेल को डाला था, एक रिकवरी ईमेल पूछा जाता है जब आप जीमेल अकाउंट क्रिएट करोगे, तो वो जो रिकवरी जीमेल अकाउंट है उस वाले जीमेल अकाउंट पे एक आपको कोड भेजा जाएगा, उस कोड को यहाँ पे लाके फिल कर देना है, उसके बाद जो है आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो अभी मुझे पासवर्ड चेंज करना नहीं है, बस मुझे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाना है। आप इसके अंदर जाओगे, सेम स्टेप्स को फॉलो करोगे, आपका जो है पासवर्ड चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वैसे अगर आप, मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ एक एक बार स्टेप करके। ठीक है, कंफर्म योर स्क्रीन लॉक पे आया, अभी मैंने फिंगरप्रिंट लगा कर रखा है, तो ये मुझसे पूछेगा कि देखिए लिखा ना यूज़ योर स्क्रीन लॉक। ठीक है, तो अभी मुझे स्क्रीन लॉक, मैंने जैसे फिंगरप्रिंट लगाऊंगा, देखिए मैंने फिंगरप्रिंट लगाया, डायरेक्टली मेरा न्यू पासवर्ड पे ऑप्शन पे आ गया। देखिए अभी यहाँ पे न्यू पासवर्ड डालूंगा, सेव करूंगा, तो मेरा पासवर्ड चेंज हो जाएगा। दूसरा वाला जो ऑप्शन था उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। दूसरा वाला जो ऑप्शन था पासवर्ड, क्या ऑप्शन था दूसरा, देखते हैं एक मिनट। हाँ, एंटर योर पासवर्ड, यहाँ पे दूसरे वाले पे टच करूँगा तो वापस से वही ऑप्शन पे मैं आ गया। अपना करंट पासवर्ड फिल करो, नेक्स्ट करो, उसके बाद जो न्यू पासवर्ड रखना है उसको फिल कर दो, आप सेव कर दो, आपका पासवर्ड चेंज हो गया। और तीसरा वाला ऑप्शन जो था उसमें क्या था कि रिकवरी ईमेल जो भी आपका है उस पर एक मेल जाएगा और उस मेल में एक कोड होगा, उस कोड को आप वहाँ पर फिल कर दो, आपका अकाउंट का पासवर्ड जो है चेंज हो गया। तीसरा वाला में देखिए यहाँ पे आपको एंटर योर कोड, जो मेरा रिकवरी मेल है उस पर एक कोड गया होगा, अभी उस कोड को मैं यहाँ पे डालूंगा और नेक्स्ट करूँगा तो मेरा पासवर्ड जो है चेंज हो जाएगा। तो ये था सिंपल मेथड दोस्तों, जिसकी मदद से हम आसानी से जो है चेंज कर सकते हैं, जो कि मोस्टली लोगों को जो है पता नहीं होता है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कितनी आसानी से हमने दोनों तरीकों से अपने पासवर्ड को चेंज कर लिया। मोस्ट केसेस में जो है लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो एक वीडियो की मदद से आपकी हेल्प कर दी जाए। दोस्तों यहाँ पे आपसे दो सवाल है, पहला कि आप जीमेल अकाउंट कौन से डिवाइस में यूज़ करते हो, मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर या लैपटॉप में, बताना जरूर नीचे कॉमेंट्स में। और दोस्तों दूसरा सवाल यह है कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, वो भी बता देना नीचे कमेंट्स में। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है या फिर कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा है, जाकर आप हम वहाँ फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।